क्या हो गया? अरे आपका हम्म, लाइव खत्म कर दिया ना कर दिया। कर दिया है ना स्ट्रीमिंग विकास? यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून यामी, एयरमैन विकास चौधरी, डेवलपमेंट शिवांगी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम सॉरी फॉर द डिले, कुछ नेट इशू आ गया था, ठीक है, सब नेट इशू आ गया था, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। एंड द स्टूडेंट्स आर बिजी इंटरैक्टिंग, नॉट इंटरैक्टिंग, डिस्कशिंग, डिस्कशन में बिजी है। यस, एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके और नॉट? गुड आफ्टरनून डेवलपमेंट, गुड आफ्टरनून तनु, मुस्कान, सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया आज नेट के, मुझे लगा आज क्लास नहीं हो पाएगी, बट ठीक है, इशू रिजॉल्व। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, सेशन वो कैप का है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बैचेस है जो आपको पता होना चाहिए, और आपको उस बैच में, मतलब बैच क्या, उसमें आपको आपका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहले अन अकेडमी में, अभी तक अन अकेडमी ने आई थिंक मई और जून में प्री का टेस्ट सीरीज उन्होंने स्टार्ट किया था, अब उन्होंने मेन्स का स्टार्ट किया है। तो मेन्स का जो पहला टेस्ट है, ठीक है, इंग्लिश स्पेशल मॉक टेस्ट फॉर SSC CGL, इसमें सब लोग एनरोल कर लोगे, एनरोल कर लोगे, और एनरोल क्या टेस्ट देना है आपको। यस, एवरीथिंग इज ओके, ओके स्टार्ट करिए, पहले जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन लो। ओके, फर्स्ट टाइम अन अकेडमी ऑल इंडिया, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट करवा रहा है। ओके, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है मेन्स का, टेकिंग इन टू कंसिडरेशन योर मेन्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 22nd August, 22nd August को पहला मेन्स का टेस्ट है, 200 क्वेश्चंस का है। ओके, फर्स्ट टेस्ट 22nd August, और इसकी टाइमिंग है दैट इज 10:30 सुबह को टेस्ट है, और इसकी एनालिसिस होगी, मॉक टेस्ट का एनालिसिस इंग्लिश वाले पार्ट का, जो 200 क्वेश्चंस है, 5 PM होगा। तो आई वुड लाइक ऑल माई स्टूडेंट्स, ऑल माई सिंसियर स्टूडेंट्स, कि आप मॉक टेस्ट को अटेंड करेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे, और फ्री है। जब ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अटेंड कर रहे हैं तो आपको भी करना है, आपको भी करना है, ठीक है, फ्री है, बस याद रखना है 22nd August को है, 10:30 सुबह का मॉक टेस्ट है। और प्री में क्या हो रहा था कि आपको मॉक टेस्ट का आंसर तुरंत मिल जा रहा था प्री वाले एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर उस वजह से आप एनालिसिस नहीं अटेंड नहीं कर पाते थे, लेकिन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस यू डू द एनालिसिस ना, तो यू विल नॉट गेट टू नो कि आपने एरर कहाँ पे किया। ऐसा थोड़ी होता है 1 का A 2 का B, ऐसा नहीं, 1 का A है तो क्यों है। तो इस एनालिसिस विल टेक अबाउट 2 आवर्स, 2 आवर्स लग जाएगा, बट आप अटेंड करोगे, ठीक है, एक बार अटेंड करोगे और एक बार मुझे आंसर करो कमेंट बॉक्स में। यू हैव टू प्रॉमिस दैट ऑल ऑफ यू हैव टू अटेंड द मेन्स टेस्ट विच इज स्केड्यूल्ड ऑन 22nd August एट 10:30 PM, और शाम में 5 बजे एनालिसिस रहेगा। चलो, यू हैव टू टेक ओथ, वादा करो सब अटेंड करोगे, फ्री हो सब लोग। रोहन, मेरा नाम ले लो, ले लिया, अन अकेडमी ऐप पे होगा, अन अकेडमी ऐप पे होगा, इसका टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ले लिया भाई, आपका नाम ले लिया पहले, यस यस वी विल, एक बार वी विल करके बोलो, देन आई विल स्टार्ट द सेशन। आई हैव टू अटेंड दिस मॉक टेस्ट, आई विल अटेंड द मॉक टेस्ट, आई प्रोमिस टू अटेंड द मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस भी करिएगा, 200 क्वेश्चन है, आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। मेंस वाले बच्चे तो करेंगे ही, उन्हें तो करना ही करना है, बट प्री वाले बच्चे जिनका सिलेबस हो गया है वो भी इस टेस्ट को अटेंड करेंगे। हाँ, यस वी विल एंड यू शुड। ये तो ये वाला हो गई, बात हो गई है, याद रखना टाइमिंग, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगी लिंक वगैरह, 22nd August सुबह में टेस्ट, शाम में 5 बजे से एनालिसिस। ओके, एक तो ये हो गया, एंड देन बीच में बच्चों का डाउट ना आए, सेशन स्टार्ट करती हूँ।
सेशन स्टार्ट करूं और अपकमिंग कोर्सेज में, इस मंथ में दो अपकमिंग कोर्सेज हैं, एक कोर्स शुरू हो रहा है, इसे बच्चे बीच में एक दो का कमेंट है मैम न्यू बैच कब से शुरू होगा, दो बैच आ रहा है इस मंथ में, एक 17 अगस्त से बैच है, ठीक है, डिटेल कोर्स ऑफ इंग्लिश, ये आइकॉनिक बैच के अंदर है, डिटेल कोर्स ऑफ इंग्लिश, ये 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ओके, और इसमें आप एनरोल कर लोगे, यहाँ पे क्लोज टेस्ट और वोकैब होने वाला है, ठीक है, क्लोज टेस्ट वोकैब कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है, और एक और बैच हो रहा है, जस्ट आजू बाजू बैच स्टार्ट हो रहा है, 18 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो बच्चे बिगनर्स हैं, ठीक है, जो बच्चे बिगनर्स हैं वो ये बैच को जरूर अटेंड करेंगे, इस बैच में अटेंड किया एडमिशन जरूर लेंगे, एनरोल जरूर करेंगे, ये प्री प्लस मेंस का बैच है, यहाँ पर एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसकी टाइमिंग है 8 to 9:30, तो इस मंथ में दो बैच आ रहा है, सुबह शाम का बैच है, ठीक है, एक मंडे को बैच आ रहा है नया और एक वेडनेसडे सॉरी एक ट्यूसडे को आ रहा है, मंडे वाला बैच है 5 to 6 PM, ये दो बैच लो लोगे तो आपका पूरा इंग्लिश कवर हो जाएगा, इसमें आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, 18 तारीख वाले बैच रात का 8 to 9:30 का बैच है, प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच है, यहाँ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और फिर यहाँ पे आपका वोकैब क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज वगैरह होगा, ठीक है, हाँ चलो अब स्टार्ट किया जाए, बैचेस के बारे में भी बता दिया है, अब स्टार्ट किया जाए, चलो नेक्स्ट वाला, सिनोनिम्स है आज, ओके यू हैव टू गिव द सिनोनिम्स, चलिए शुरू हो जाइए, आपको रानी टैंग कोड यूज बैचेस में एनरोल करने के लिए, मैं अक्सर बोलना भूल जाती हूँ, बच्चे मुझे रिमाइंड कर देते हैं, रानी टैंग कोड यूज करना है, ओके, और अन अकेडमी की अच्छी बात है, किसी एक बैच में एनरोल करते हो तो आपको फ्री में सारे बैचेस मिल जाते हैं, यू हैव टू यूज माई कोड रानी टेन सो डैट यू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन, और 1 ईयर का तो ले लेना सब्सक्रिप्शन, ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है, वन ईयर, मुझे कुछ डिस्कस करना है, चलिए अब आंसर बताना शुरू करिए, केमोन अचो, आमी भालो, चलिए डेवलपमेंट, पहला का आंसर बताइए, रानी टेन कोड यूज करना है, आंसर बताइए पहला का, नहीं मॉक टेस्ट अटेंड करोगे ना तो मैं बताती हूँ उसके बाद, बाबू राम आई हैव टेकन योर नेम, विसिट्यूड्स का मतलब क्या होता है, जो आपके लाइफ में यस अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसके लिए हम विसिट्यूड्स बोलते हैं, बट याद रखना, हाँ पहले आंसर बताओ, द विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ, विसिट्यूड्स का मतलब होता है द चेंजेस जो आपके लाइफ में होता है, बट याद रखना विसिट्यूड्स का मतलब होता है चेंजेस, और चेंजेस में भी ना नेगेटिव चेंजेस, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो उतार भी हो गया चढ़ाव भी हो गया, बट विसिट्यूड्स हमेशा नेगेटिव बदलाव जो आता है, आंसर बताइए, मिसफॉर्च्यून, हाँ मिसफॉर्च्यून होगा, देखो म्यूटेबिलिटी का मतलब भी होता है म्यूटेशन, इसका मतलब भी होता है चेंजेस, ओके म्यूटेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, जीन्स वगैरह में म्यूटेशन वगैरह पढ़ा होगा, चेंजेस, लेकिन विसिट्यूड्स आर द चेंजेस मतलब मिसफॉर्च्यून मतलब मिजरीज अफ्लिक्शन, ये सब के लिए होता है, नंबर दे दो, नंबर लेके क्या करोगे, आएगा CGL में नंबर दे दो, इस साल 12th पास हूं तो अभी से लग जाओ, पहला अटेम्प्ट में CGL निकल जाएगा, यस डेबोनेर का मतलब है बेड रिडन कैंडिड मतलब बहुत बोल्ड, थ्रिफ्टी मतलब कंजूस और एलिगेंट, बताइए, चलो आंसर बताओ क्या है डेबोनेर, ये तो अक्सर सुनते हैं, एक ब्रांड भी है, ओके
आंसर बताइए भाई, गूगल कर रहे हो साहब? देबू, देबू बहुत फैशनेबल है, देबू बहुत फैशनेबल है। टू डेबनर का मतलब होता है वेरी फैशनेबल, वेरी एलिगेंट, बहुत फैशनेबल, एलिगेंट लोग को बोलते हैं, एलिगेंट, एलिगेंट, एलिगेंट। यस, दिस कोर्स इज बेनिफिशियल फॉर CHSL ऑल्सो, ऑल द कोर्स जो हमारा SSC लेता है, CHSL है, स्टेनो है, CGL है, CPO है, सबके लिए एलिगेंट, एलिगेंट। पढ़ने का काम बहुत हो रहा है, टेस्ट वगैरह भी देना। फिरोरे, फिरोरे का मतलब क्या होता है? CHSL का फुल कोर्स मिल जाएगा, जो 18 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, 8 से 9:30 वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ बताओ, फ्यूचरिस्टिक, जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, चेम्बर पता है, वरी। फिरोरे का मतलब क्या होता है? आंसर बताइए। एक्साइटमेंट, हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत एक्साइटेड हो जा रहे हो, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, सबके लिए, सबके लिए ही है। यस, फ्यूचरिस्टिक नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है, एफ से फिर हो रहे, फ्यूचरिस्टिक नहीं। यस, रिप्रेजल, रिप्रेजल का मतलब, सारे वर्ड्स आपके प्रीवियस पेपर के ही आए हुए वर्ड्स हैं। रिप्रेजल का मतलब है किसी चीज को, देखो आंसर देखो, रिटेलिएशन है, ये दोनों तो होगा नहीं। हाँ अब बताओ आंसर, अब सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी। इसका मैंने मिसफॉर्च्यून डाला, डेबोनियर का एलिगेंट डाला, और फ्यूचर इसका एक्साइटमेंट डाला। हाँ दोनों, ये दोनों का मतलब एक ही है, एनल करना, अनल करना, इस खारिज करना, रिपील का मतलब भी खारिज करना है। तो रिप्रेजल का मतलब है पलट कर वार करना, ठीक है, पलट कर, रिटेलिएट करना, पलट कर वार करना, रिटेलिएशन होगा, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन, ए होगा, रिपील नहीं होगा, रिपील का मतलब तो खारिज करना किसी चीज़ को, कैंसिल, ये दोनों का एक ही मतलब होता है। जैसे आपने किया है ना, कैंसिल करना, किसी चीज़ को रिवोक करना, बट रिप अपने जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे नो ट्रांसफ़र, मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, जिद पे अड़ा हुआ है। तो इनट्रांजिजेंस का मतलब होता है स्टबन, स्टबन का मतलब भी होता है जिद्दी, 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 जिद्दी के सेंस में। बफरिंग हो रहा है, नेट इश्यू है, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए, नेक्स्ट वाला। फीएलटी, फीएलटी का मतलब, फीएलटी, फीएलटी का मतलब होता है लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल्टी बोलोगे, फिडेलिटी के, वफादारी, वफादारी के सेंस में। ओबीजेंस बोलते हैं, ओबीजेंस, एलिजियंस, आई ओ माई एलिजियंस टू माई कंट्री, वफादारी के सेंस में, लॉयल्टी के सेंस में, लॉयल्टी, लॉयल्टी, लॉयल्टी। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वॉर्म्स, ये तो हमारे बच्चे बताएंगे, ये क्लास में जनरली बोलते हैं, मैम मेरे क्वॉर्म सॉल्व कर, क्वॉर्म सॉल्व कर दो, मेरे क्वेरी सॉल्व कर दो। अब बच्चों को बोलती है नए नए वर्ड सीखना, डाउट तो आप बोलते ही हो कि मुझे मेरे डाउट सॉल्व कर दो, मेरा क्वेरी सॉल्व कर दो, मेरा क्वॉर्म सॉल्व कर दो, मेरा स्क्रूपल्स, स्क्रूपल्स का मतलब भी होता है डाउट, 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 ये तो बता दोगे, डाउट, डाउट, स्क्रूपल्स का मतलब होता है डाउट। क्राइसिस का मतलब है संकट, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब है फाइट। एट्रीब्यूट का तो दो मतलब होता है, एक एट्रीब्यूट का मतलब है क्वालिटीज, और एक एट्रीब्यूट करना किसी को श्रेय देना, एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। स्क्रूपल्स में डबल पी नहीं होता है, सिंगल पी होता है,
सिंगल पी यू हैव, नेक्स्ट वाला लैबरिंथ, लैबरिंथ मेज, पाथ, पाथ का मतलब है रास्ता, स्काई स्क्रेपर किसको बोलते हैं, स्काई गगन चुंबी इमारतें, टॉल बिल्डिंग्स को बोलते हैं, टॉल बिल्डिंग्स, इम पासे पास, पास इम मतलब नो, पास मतलब पास नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया, इम पासे का मतलब होता है डेड लॉक, कोई भी चीज़ का ठप हो जाना, डेड लॉक हो जाना, और लैबरिंथ का मतलब होता है ना लैबरिंथ, इट्स इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, ओके, कन्फ्यूजन वाला स्टेट होता है जिसको हम मेज बोलते हैं, जिसको हम कोनैंड्रम बोलते हैं, इम्ब्रोग्लियो पजल, पजल वाला स्टेट, प्रीडिकमेंट दुविधा वाली हालत, दुविधा वाली हालत, दुविधा, यस, सब प्रीवियस पेपर का ही है। फेसेट, फेसेट का मतलब क्या है, पहले तो सबका मीनिंग जानो, सिर्फ एक का मीनिंग जानने से नहीं चलेगा। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट किसी चीज का, एस्पेक्ट मतलब पहलू, बोलते हैं ना द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ का वेरियस पहलू। डिसीट का मतलब है चीट करना, धोखा, चीट। जियो पार्टी, ये जियो, जियो ने आकर इतना सस्ता नेट दे दिया है कि दिन रात फोन पे बिजी रहते हैं और सब बर्बाद हो गए हैं। जियो पार्टी, जियो पार्टी का मतलब होता है डेंजर, सबको बर्बाद कर दिया है जियो लाकर, दिन भर बैठ के नेट, नेट फ्री में मिल रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ काम बर्बाद कर रहे हैं, जियो पार्टी। ये तो याद करने का तरीका बताया, इम्ब्रोग्लियो मेज, पजल, प्रिडिकमेंट, कोनैंड्रम, डिसीट का वेरी गुड यामी, टेकिन इन, टेकिन इन, आई वॉज टेकिन इन बाय हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर के झांसे में आ गई, धोखा खा गई, धोखा देना, धोखा देना, धोखा देना। मैम वो सेंटेंस पैसिव ही होगा, आई एम शॉक्ड, किसने बोल दिया वो सेंटेंस पैसिव होगा, आप बोल दोगे और मैं मान जाऊंगी, आई एम शॉक्ड में वो पैसिव होगा, वो एक्टिव सेंटेंस है। चलो बताओ, यस, एस्पेक्ट, फैसेट का मतलब होता है एस्पेक्ट, पहलू, किसी चीज का पहलू। पैनोरामा अलग हो गया, पैनोरामा इज अ व्यू, ओके, व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, वो अलग हो गया। नेक्स्ट वाला आई, यस, प्यूजेंट, प्यूजेंट वर्ड भी किया है आपने, बताओ क्या होगा, नेट का इशू आ रहा है। जियो पार्टी, जियो पार्टी, जियो पार्टाइज करना मतलब रिस्क, खतरा, हार्म, हार्म करना। जियो ने इतना दिया है फिर भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, अन अकेडमी, क्या काम क्या आपका अन अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस देखना, डेटा कम पड़ रहा है। आई एम शॉक्ड में शॉक्ड एडजेक्टिव है, शॉर्ट एडजेक्टिव ही है ना। फ्यूजन का मतलब नियरनेस थोड़ी होता है, नियरनेस का मतलब तो पास, फोरसाइट होना मतलब विजनरी, विजन होना, किसी चीज को करने का विजन होना। यस, फ्यूजन का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, समथिंग विच इज वेरी हेल्दी, 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 हेल्दी को बोलते हैं हेल्दी, वीक नहीं है, हेल्दी है, हेल्दी। सब तुक्का लगाते रहते हो, इतने सारे वर्ड्स एक जगह कलेक्ट कर लो, एग्जाम के पहले उतना पढ़ लोगे हो जाएगा। रैपेशियस, देखो रैप, रैप कर करके, रैप सॉन्ग्स होता है ना, रैप, रैप कर करके, हनी सिंह रैप कर करके पैसे कमा रहे हैं, लालची हो गया है, मतलब ऐसे पढ़ाने, मतलब ऐसा है नहीं, ठीक है, आई एम नॉट हर्ट, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, बट याद करने का तरीका है। रैपेशियस, रैपेशियस रैप गाना गा गा के लालची की तरह पैसा कमा रहा है रैप गाने से। ग्रीड, 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 पोटेंट, पावरफुल, स्ट्रांग, कोजेंट, यस, आंसर बताइए यार,
नेक्स्ट देखिए, ग्रीड होता है, ग्रीड ग्रीड ग्रीड। प्रोपेंक्विटी, प्रोपेंक्विटी का भी काफ़ी सारा वर्ड्स किया आपने। प्रोपेंक्विटी, पहले तो फोरसाइट वही है, विजनरी लोग होते हैं जो फ्यूचर की सोच लेते हैं। ओके, नियरनेस का मतलब पास, प्रोस्पेरिटी का मतलब है संपन्न, प्रोस्पेरिटी इज अफ्लुएंस, संपन्नता। और प्रोपेंसिटी, पेन, अपने पेन से प्यार करो, वो आपकी लाइफ बना देगा। प्रोपेंसिटी का मतलब है किसी के प्रति आपका लाइकिंग, फॉन्डनेस, किसी जिसको पसंद करना। यस, आपने किया है प्रोपेंक्विटी का बहुत सारा वर्ड किया है। चलो इसी बात पर प्रोपेंक्विटी का वर्ड बताइए, कहाँ पे लिखूँ प्रोपेंक्विटी, चलो यहीं पे कहीं लिख रही हूँ। शुरू हो जाइए, आपने वर्ड्स किया है प्रोपेंक्विटी। प्रोपेंक्विटी का मतलब होता है बहुत, कोई भी चीज़ बहुत पास, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स के दायरे में। एक हमारा लास्ट ईयर CPO में ये वर्ड आया है, कंटीजियस, कंटेजियस नहीं है, जैसे कोरोना कंटेजियस है ना, जो बीमारी फैलता है, बट कंटे यहाँ पे ए है, ये है कंटीजियस, कॉन्टैक्चुअल, पास, प्रॉक्सिमिटी, नेबरहुड पास में, एडजॉइनिंग का मतलब भी है पास, नियरनेस, सबका मतलब है पास। तो यहाँ पे आंसर प्रोपेंक्विटी का होगा नियरनेस, नियरनेस, पास पास, एडजेसेंट। यस, प्रोपेन केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो वही सोच लो, प्रोपेन पास है, उसी से जोड़ लो, एडजेसेंट। यस, प्रॉक्सिमिटी, प्रोपेंक्विटी, कंटीजियस, एडजेसेंट, कॉन्टैक्चुअल, नियरनेस, पास। अब आ जाओ प्रोमिस्क्वस, प्रॉमिस तोड़ दिया अपना, प्रोमिस्क्वस, प्रोमिस्क्वस मतलब प्रॉमिस करने वाले लोग, जो प्रॉमिस तो करते हैं बट बाद बार बार वो तोड़ देते हैं। साइड बाय साइड, साइड बाय साइड ऑप्शन में थोड़ी आए, DSL वाले सर बताए थे आई एम टायर्ड, कहाँ से ये पैसिव हो गया। ओके, ये तो मेरे स्टूडेंट भी बता देंगे, आई एम टायर्ड। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, एक पीछे पड़ गए कि किसी सर ने बताया था कि आई एम टायर्ड पैसिव है, क्या ये पैसिव है आई एम टायर्ड, एक बार मुझे बता दो। वो उसी में बिजी है, उसी में जो मैं पढ़ा रही है, अब उस पर ध्यान दो। आशीष, आई एम टायर्ड में क्या ये पैसिव है, बताइए आई एम टायर्ड में इसको कहां से पैसिव मान लो। नो, ये सब स्टूडेंट्स को पता है, आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ मैं क्या हूँ, मैं टायर्ड हूँ, तो ये एडजेक्टिव है, ये पैसिव जा ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, यहाँ हमें सब्जेक्ट के बारे में ये बात बता रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि टीचर्स, ठीक है आप बोल रहे हो कि उस टीचर ने वो बताया था, कभी कभी टीचर्स सही बताते हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, कुछ गलत समझ जाते हो, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पहले मुझे जहाँ भी पढ़ा है नोट्स दिखाओ। कभी कभी टीचर ने सही लिखवाया होता है लेकिन आप कुछ गलत बोलते हो। एक्टिव है, एक्टिव है। ओके, चलिए अब बताइए, प्रोमिस्क्वस सिर्फ सिर्फ वादा करता है तोड़ देता है, तो ये तो बहुत करप्ट है, करप्ट है, वेरी लाइसेंशियस है, लाइसेंस नहीं मिला, करप्ट है, वेरी वाइल है, ठीक है, वॉन्टेड है, वॉन्टेड तो लिखा ही हुआ है, वॉन्टेड, वॉन्टेड लोग कौन होते हैं, बहुत वॉन्टेड है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, सारे मुल्कों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है क्योंकि वो वॉन्टेड है, वॉन्टेड है मतलब करप्ट है, करप्ट, करप्ट। अच्छा, गुस्सा में नहीं कर रही हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, ओके, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, वो उसी के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, मैं समझ गई हूँ राम, बहुत सारे देखो बच्चों का मैं जानती हूँ ना, उसी में बोलती हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए ना वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं रहना है। कई बच्चों को लग जाता है ना कि जहाँ भी V3 लग गया मतलब पैसिव समझ लो, ऐसा थोड़ी होता है, कभी कभी V3 एडजेक्टिव का काम करता है तो वो एक्टिव ही है। और कभी कभी देखो ही हैज गिवेन अ बुक, यहाँ भी V3 देख के वो पैसिव समझ जाएंगे, बट पैसिव थोड़ी है, हैज के बाद V3 लगेगा तो पैसिव थोड़ी होगा, हैज के बाद बीन लग के V3 लगेगा तब पैसिव होगा। तो ऐसा V3 देख के ये समझना, वो देख के ये समझना, ऐसा नहीं होता है, सेंटेंस समझना होता है, ही हैज गिवेन अ बुक, बुक उसने दी, एक्टिव है,
ही हैज बिन गिवेन अ बुक, उसको एक बुक दी गई किसी और के द्वारा, उसने कुछ नहीं किया, किसी और ने किया, पैसिव है, पैसिव है। मैम स्क्रीनशॉट दे दूंगा। नहीं, मुझे स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है आशीष, मुझे स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, बट टायर्ड एडजेक्टिव, उसको वो चीज पार्ट को इग्नोर कर देना। ओके, इग्नोर करना उसको, अब वो सब छोड़ो। रैपेसिटी, जब आप स्टूडेंट्स इतने अच्छे से समझ जा रहे हो ना, जैसे मैंने पूछा टायर्ड क्या है, आप स्टूडेंट ने बोला कि मैम टायर्ड एडजेक्टिव है, जब स्टूडेंट समझ जा रहे हैं तो इतना कंफ्यूजन क्यों? रैपेसिटी इज ग्रीड, लालच। प्रोपेंक्विटी इज नियरनेस, पास। और प्रोमिस्कुअस मतलब वादा करके तोड़ देता, बहुत करप्ट है, वॉन्टेड है, वॉन्टेड है। यूनियन बैंक से पेमेंट नहीं हो रहा है, दूसरे बैंक से करो। वर्बेटिम, ये तो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, वन वर्ड में भी आ जाता है। रिबल, लिबर्टीन, बहुत सारे वर्ड्स हमने किए हुए। चलिए बताइए, डिबाउच, हाँ डिबाउच वर्ड भी, वाउचर, गलत वाउचर काट काट के, गलत एडमिशन ले रहा है वाउचर काट काट के, इसका मतलब है करप्ट है, करप्ट है। चलिए आंसर बताइए, वर्बेटिम। इतना सारा नॉलेज स्टोर कहाँ से कर लेते हो आप? मैं इसलिए नॉलेज स्टोर करती हूँ कि मैं इंस्टा पे नहीं हूँ, ठीक है, मैं टेलीग्राम पे बस आप लोग के लिए हूँ, फेसबुक पे ज़्यादा काम नहीं करती, इंस्टा पे नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे भी इधर उधर नहीं करती हूँ, तो जो है वो बचा हुआ है। आप लोग के पास तो बहुत सारा काम है, उसीलिए आप लोग का स्टोरेज थोड़ा सा कम पड़ जाता है। एग्जैक्टली, वर्बेटिम का मतलब एक होता है हूबहू, हूबहू का मतलब है एकदम एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। टिमेरिटी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चित है। कोवर्डिस का मतलब है कायरता, बोल्डनेस तो साहस, और डिस्ट्रस्ट तो ट्रस्ट नहीं होना। थैंक्स फॉर सैक्रीफाइस, आई एम नॉट मेकिंग एनी सैक्रीफाइस, फेसबुक और व्हाट्सएप पे ना रह के मैं सैक्रीफाइस कोई थोड़ी कर रही हूँ। थैंक्स फॉर द सैक्रीफाइस, कौन सा बलिदान कर दिया मैंने? ओ माय गॉड, मैम गुस्सा मत होइए, मैंने सच में आपका वीडियो देखने के बाद उनका देखा, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, आप सही बोल रहे हैं। चेक कर लो, जब भी दिक्कत होती है ना किसी थर्ड पर्सन से चेक करो। टिमेरिटी, एकदम टिमेरिटी का मतलब होता है एकदम टिन की तरह, एकदम बोल्ड, बोल्ड है। टिमेरिटी, टिमेरिटी, बताइए आंसर बताइए। और गूगल वगैरह पे जब भी कोई, वैसे गूगल क्या, आप कहीं भी चेक कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सबका आंसर गलत आ रहा है भाई, इतना गलत कैसे बोल सकते हो, सब आंसर गलत दे रहे हो, और सबका सब एक दूसरे का देख देख के आंसर देते हैं, और एक गलत देगा तो सब गलत शुरू हो जाते हो। आंसर बताइए इसका, बहुत कॉन्फिडेंटली देख रही हूँ, एकदम कॉन्फिडेंटली सब गलत आंसर दे रहे हो। टिमिडिटी नहीं बना बताया मैंने, टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड का मतलब डरपोक होता है, पुसी लैनिमस, पुसी कैट, डरपोक। टिमिडिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ओवर कॉन्फिडेंट, जरूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट लोग को बोलते हैं। सब मैं समझ गई हूँ, मैं मुझे पता है ना कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि एक गलत दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, एक दूसरे का चीटिंग कर रहे हो सब। टिमिड, मुझे पता है आप लोग टिमिड से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो टिमिड का मतलब है टिमिरिटी, बोल्डनेस, ओवर कॉन्फिडेंट, ऑडेशियस, ऑडेशियस, पता है ना कहाँ कहाँ से कंफ्यूज होते हो आप। हाँ, रक, रक का मतलब क्या होता है? अच्छा, रकस वर्ड भी आपको करवाया था मैंने, रकस,
अगर ये वर्ड नहीं आ रहा है ना, तो चलो ये वर्ड बताओ। ये मैंने वर्ड पावर में करवाया है। कैट में प्रणय वो कैब एंड ऑल विल हेल्प, बट कैट में थोड़ा सा पैसेज का लेवल हाई होता है, पैसेज का लेवल हाई होता है। टिमिड से कंफ्यूज हो गए हैं, पता है मुझे। हाँ, रकस का मतलब आपको बताया था ना, शोर शराबा। जैसे मैंने इसको बताया था, रकस इज केओस। केओस का मतलब होता है शोर शराबा, मतलब कंफ्यूजन। बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए तो टोटल केओस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, जिसको हम बोलते हैं मेहम हो गया, बेडलेम हो गया, कंफ्यूजन। एक साथ बहुत जगह ज़्यादा लोग गैदर हो गए, एकत्रित हो गए, तो वो रकस तो हमारा एडजेक्टिव हो गया। हाँ, वेरी गुड। तो ये हमारा वर्ब है। तो रक का मतलब होता है मास। मास का मतलब भी होता है गैदरिंग, गैदरिंग, गैदरिंग। वैसे रक नाउन का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। मास, मास का मतलब है, जैसे अमास, अमास का मतलब होता है एकत्रित करना, ये वर्ब है। और यहाँ रक मास, मास का मतलब मास प्रेयर्स होते हैं चर्च में, मास नंबर्स, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग। क्या क्या टिमिड से कंफ्यूज हो गया। टी टी दोनों वर्ड सेम लग रहा है, चलो समझ जाओ। मल्टीट्यूड, ये तो बना लोगे। मल्टीट्यूड, कितना ज्यादा एरर कर दिया प्रणय। इज दिस लेक्चर्स आर इनफ, क्या क्या लिख दिया। इज दिस लेक्चर्स आर, डोंट टेक इट अदरवाइज प्रणव, क्योंकि मुझे एरर डिटेक्ट करना है तो मैं इसको बताऊंगी। चलिए आंसर बताइए। हाँ, अमास मेरे सीजीएल में आया था, सीएचएसएल में। कहाँ कहाँ पे एरर है। इज दिस लेक्चर, दिस सिंगुलर है, इज दिस लेक्चर्स नहीं होता, इज दिस लेक्चर, आर इनफ नहीं है। इज दिस लेक्चर, इज भी लगा दिया, आर भी लग गया। इज दिस लेक्चर इनफ। जेडेड, जेडेड का मतलब टायर्ड होता है। आपने जिस तरह पार्टिसिपल पढ़ाया है, पार्टिसिपल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी मैंने पार्टिसिपल आशीष पढ़ाया ही नहीं, अभी तो बस मैंने ऊपर ऊपर बताया है। अभी पार्टिसिपल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करने को बची हुई है, बहुत सारी चीज़ें करने को बची हुई है, अभी तो बस आपने ऊपर ऊपर पढ़ा। एग्जैक्टली ये रक का मतलब है मास, मास। और जैसे अमास भी होता है, अमास का मतलब भी है एकत्रित करना, गैदर करना, इकट्ठा करना, अक्रीव करना, इकट्ठा करना, गार्नर करना, गार्नर, मस्टर, सब ये सब याद रखना। ये कॉमन सा वर्ड है, अमास, एक अक्रीव, गार्नर, और क्या बचा, एसिमिलेट करना, अक्यूमिलेट करना, सबका मतलब है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। आ गया हमारे शिवांगी, देखो उसने। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्लोर, प्लीथोरा, प्रोफ्यूज, देखो उसे, उन्होंने, शी इज अ विक्टिम ऑफ वर्ड पावर, वर्ड पावर की पीड़ित हो चुकी है वो। मल्टीट्यूड का मतलब होता है अबंडेंट। माइरियाड, प्रोफ्यूज, प्लीथोरा, और एक दो छोड़ दिया है शिवांगी, आपने एक दो छोड़ दिया है, आपने अमटीन छोड़ा है। अमटीन का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में। आपने और क्या छोड़ा है, सॉरी, आपने सर फीट भी छोड़ा है, सर से फीट तक। लश, लश, एल यू एस एच, लग्जरियंट, चलो मैं उसको कवर कर दे रही हूँ। नहीं, लश और लग्जरियंट आपने डाला है, सॉरी आपने डाला है। प्ली थोड़ा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा। प्रोफ्यूज, आपने अमटीन और ये छोड़ दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। यह शिवांगी डिक्शनरी हो गई है। वेरी गुड, शिवांगी ने छोड़ा, इधर कवर अप कर रही है यामी। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा, तो स्कार्सिटी तो कम है। मास करोगे, मास का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में। रेडिएंट का मतलब भी है वेरी शाइनी, वेरी भड़कीला, चमकीला। बार बार रिवीजन करेंगे तो आप लोग भी बन जाओगे, शिवांगी से आगे निकल जाओ। नेक्स्ट वाला जेडेड, आई एम वेरी जेडेड। जेडेड का मतलब है डिक्शनरी लर्न की हुई है। जेडेड, जेडेड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, टायर्ड, थका हुआ।
एग्जॉस्टेड, थका हुआ। मैं प्लस पे अब आपकी कोड इंग्लिश लूंगा। हाँ तो कोड यूज कर लेना ना, प्लस पे आ जाओ। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बोलते हैं कि मैम कोरोना नहीं होता तो हम प्लस तक नहीं पहुंचते। अनअकैडमी प्लस तेजी से राइज कर रहा है, ये कोड यूज कर लेना, रानी 10। ओके, इसमें आप 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। फेडेड अलग होता, फेड हो जाना तो कलर फेड हो जाना। गूगल खोल के बैठे हैं सब। नहीं ऐसी बात नहीं है गुलशन, शिवांगी अक्सर आंसर करते हैं। शिवांगी ऐसा इतना जेलस नहीं होना है, ठीक है? अगर कोई अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट करना सीखना है। यू डोंट हैव टू बी जेलस। गूगल खोल के बैठे हुए हैं। यस, एबिडोर का मतलब क्या होता है? स्लॉटर हाउस, बुचर खाना, इंडोलेंट, हिल डोल नहीं रहा है, आलसी है, डल है। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब है विरोधी, विरोधी, कॉम्पिटिटर। और अकम्प्लिस, गलत काम में जो आपका साथ देते हैं, जो आपका गलत काम में साथ देते हैं। यहाँ भी कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ भी सब कंफ्यूज हो रहे हैं। और एक इतने सब चीटर कॉक हो गए, एक गलत देगा तो सब गलत देगा। ये जो बुचर खाना होता है ना, वो IR के लिए होता है, IOIR, IR होता है, IR। स्मार्ट हो गए हैं सब एक दूसरे। हाँ वो IR के लिए होता है, बट यहाँ पे आई नहीं, अबेट। अबेट करना मतलब किसी को एनकरेज करना गलत काम करने के लिए। और जो व्यक्ति अबेट करना, किसी को प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना गलत काम के लिए। और जो व्यक्ति आपको गलत काम के लिए प्रोवोक करता है, वो आप ये अकम्प्लिस, गलत पार्टनर इन क्राइम। अच्छा मैम ये मजाक था। ओके सब कौन कह रहा है, गूगल ओपन किया है। ATOIR होता है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए भी होगा, ए होगा, TOIR और ए होगा। बिल्कुल, इंग्लिश परचेज करने के बाद आपको मैथ्स, रीजनिंग, GS का भी फ्री मिल जाएगा। वो शिवांगी दिल पे नहीं लेगी वो। माई गॉड। हाँ रिया, रिया चक्रवर्ती अक्यूज्ड इन अबेटमेंट टू सुसाइड। पढ़ा है ना आप अक्सर ये वर्ड सुन रहे हैं, अबेटमेंट इज सुसाइड। उसको भड़काया था सुसाइड करने के लिए। ओह माय गॉड, मुझे लाइफ में सेकेंड टाइम इंग्लिश का सही फैकल्टी मिला है। आई वुड लव टू हियर कि फर्स्ट टाइम कौन थे, फर्स्ट टाइम वाला कौन थे फैकल्टी। अब बताओ एबनिगेशन, ये तो एडमिटेंस देना, एडमिटेंस देना है, एक्सेप्टेंस देना। यील्डिंग का दो मतलब होता है, एक यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन। द फार्म, द खेत यील्डेड 2 टन्स ऑफ अनियंस, खेत ने 2 टन ऑफ अनियंस का उत्पादन किया। और एक यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, एक्सेस तो जरूरत से ज्यादा, और डिनायल। चलिए आंसर बताइए। एबनिकेट, नेगेट, नेगेट मतलब नेगेटिव, नगेट मतलब नेगेटिव, ना कर दिया, ना कर दिया मतलब डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है, मना कर दिया है, मर बना। यस नेक्स्ट, बिरेफ्ट। बिरेफ्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? बिरेफ्ट ऑफ, बिरेफ्ट ऑफ, डिवॉइड ऑफ, किसी चीज से वंचित हो जाना, लैक ऑफ, कमी, किसी चीज से डिप्राइव्ड हो जाना। डिप्राइव्ड का मतलब भी है वंचित होना, वंचित, वंचित, लैक ऑफ। अच्छा माई 10th क्लास टीचर, ओके। बिरेफ्ट ऑफ, ही वॉज बिरेफ्ट ऑफ ऑल द बिलोंगिंग, सारी चीज़ों से उसे वंचित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब भी होता है पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलस का मतलब भी होता है शिवांगी, ये भी छोड़ दिया था आपने। अबंडेंट, अबंडेंट के सेंस में, तो यहाँ पे होगा डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मीन्स हाँ, यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ। बिरेफ्ट, अकेला, दुखी, आरा। हिमांशी थैंक यू। लगता है नहीं है, लगता है मेंस में अच्छे नंबर आएंगे। लगता है ऐसे क्या होगा, ला के दिखाना है। कराउस, ऐसा कुछ पढ़ा है, क्रिसमस, ऐसा पढ़ा है क्रिसमस
क्रिसमस कैरोल पढ़ा है? क्रिसमस कैरोल तो 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई में एक बुक भी है, चार्ल्स डिकेंस का क्रिसमस कैरोल। कैरोल का मतलब है सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स जो आप खुशी में गाते हो, रिलीजियस सॉन्ग जो आप खुशी सेलिब्रेट करने के लिए गाते हो। कैरोल, कैरोल वर्ड से ही है कराउस। कराउस करना मतलब मौज मस्ती, फन। ये भी वर्ड आपने सुना होगा, फन एंड फ्रॉलिक। फन एंड फ्रॉलिक का मतलब है मौज मस्ती, तो फ्रॉलिक का मतलब भी होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पढ़ा हूँ, क्रिसमस कैरोल पढ़ा होगा, अंकल स्क्रूज और वो सब पढ़ा होगा, डिकेंस, विक्टोरिया नहीं रखे थे। यस। प्रोफ्लिगेट, वैसे प्रोफ्लिगेट दो, प्रोफ्लिगेट दोनों मीनिंग में जाता है। एक तो जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, और जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं गलत चीजों में, गलत चीजों के लिए। तो चलो बताओ, तो प्रोफ्लिगेट का मतलब सिर्फ खर्चीला नहीं बोलोगे, फॉर गलत थिंग्स, ओके, फॉर करप्ट थिंग्स एंड ऑल। बताओ क्या होगा? यस, फॉर गलत थिंग्स मीन्स प्रोफ्लिगेट मतलब इमोरल। अभी किया ना, लाइसेंशियस, इमोरल, लिबर्टीन, वॉन्टेन, इमोरल, इमोरल। एक्स्ट्रावेगेंट कोई नेगेटिव नहीं है, चलो बहुत लोग खर्चीले होते हैं, बट गलत काम में, इमोरल, अनैतिक चीजों में खर्च कर रहे हो, इमोरल, इमोरल थिंग्स में, इमोरल थिंग्स में। यस। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। दो वर्ड और बच गया है, लाइज, एरिस्टोक्रेटिक, यस, बटरफ्लाइज, ओरैक्यूलर, समथिंग विच इज ओरैक्यूलर। आंसर बताइए, गलत नहीं बताना है। ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, ठीक है, ल्यूसिड का मतलब है क्लियर, और डिस्टिंक्ट का मतलब भी है क्लियर। तो दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। हाँ, दोनों में से, दोनों का मतलब एक ही है, तो दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। अब देखो, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब भी है कोई कोई भी चीज़ बहुत घुमावदार, कोई भी चीज़ बहुत घुमावदार। तो आंसर बताइए इसका। और देखो, अगर इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है ना, एम्बिगुअस का मतलब क्या है? एम्बिगुअस का मतलब है डाउटफुल, डाउटफुल। और अनएम्बिगुअस का मतलब है जो डाउटफुल नहीं है, और जो डाउटफुल नहीं है वो भी तो क्लियर ही है ना, ये भी क्लियर, डिस्टिंक्ट क्लियर, ल्यूसिड क्लियर, जब तीनों का मतलब एक है तो ये बचा। तो ओरैकुलर थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी मिस्टीरियस। कोई भी चीज़ बहुत मिस्टीरियस है, कोई भी चीज़ बहुत आर्केन है। जैसे ऐसा बताया था मैंने, आर्क, मैथ्स में आर्क बनाते हो ना, तो आर्क उसने बहुत क्लियर नहीं बनाया है, ठीक है, आर्क उसका अनक्लियर है, उसी वर्ड से आर्केन है, वेरी मिस्टीरियस, ठीक है, जो क्लियर नहीं है। तो आंसर इज, हाँ, आंसर क्या है? क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब है थिंग्स अनक्लियर, घुमावदार, एम्बिगुअस। सरप्टिशियस का मतलब होता है ना चोरी छुपे, हिडन। आजकल अभिनव सिंह शांत हो गए हैं, शुरू में ये भी वर्ड पावर में, अच्छा, ओरेकल सॉफ्टवेयर भी होता है, ओके, क्या होता है प्रवीण उसमें, सॉफ्टवेयर में कुछ कोड वगैरह में कुछ ऐसा बात करते होंगे। अच्छा, अभी तो मैंने बोला अभिनव सिंह शांत हो गए। नौसियस, नौशिया, नौसिया वर्ड सुना होगा ना, नौसिया वाली फीलिंग आ रही है, मतलब बहुत गंदी फीलिंग, वोमिटिंग टेंडेंसी, मतलब बहुत खराब वाली फीलिंग। अच्छा, कुछ क्रिप्टिक है, ओके, और एकल इज सॉफ्टवेयर है, क्रिप्टिक है। सी द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, कंप्यूटर्स में भी है, कुछ कोडिंग वगैरह होगा, कोड वगैरह करते हैं, कोड वगैरह वाला चीज़ भी तो क्लियर नहीं होता है ना, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। नौसिया का मतलब होता है वेरी लोथसम, वेरी हेटफुल, बहुत खराब, हेटफुल, ठीक है, बिनेवोलेंट तो काइंड, फ्रेंडली एंड ऑल, ये सब होगा नहीं, ठीक है। तो चलो, लेट्स एंड द सेशन, सेशन को एंड करते हैं, और एक बार जो स्टूडेंट्स थोड़ा लेट से जुड़े हैं,
ओके, उन्हें बता दूँ मॉक टेस्ट के बारे में ताकि आप उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, यू पीपल हैव टू अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, फ़ायदा उठाइए इसका। जो लेट से जुड़े हैं, मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, अटेंड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इंग्लिश स्पेशल है, मेंस का मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, प्री में भी, अब यहाँ तो मुझे ऑफ़र का पता नहीं, बट प्री में ऑफ़र भी था, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा, फर्स्ट 10 या 20 स्टूडेंट्स को था, बट मे भी हो सकता है वो आगे प्लान करें। ओके, मेंस मेंस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 22nd अगस्त मतलब नेक्स्ट सैटरडे से आपका मेंस का मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया, सारे बच्चों के लिए फ्री है। सुबह के 10:30 बजे टेस्ट दीजिएगा और शाम को एनालिसिस करेंगे 5 बजे। अब जितना टाइम लग जाए, 5 से 7, 5 से 6:30, जितना भी टाइम लग जाए, एग्ज़ाम का पता नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो जारी रखोगे ना। एक बार वैक्सीन आएगा, एग्ज़ाम होगा, नहीं भी आया वो ले लेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि नवंबर में एग्ज़ाम्स हो जाएगा। ओके, तो ये वाला टेस्ट दे दीजिएगा, फ्री में है, और हो सकता है आगे वो इस टेस्ट को और भी, इस मंथ में तो 22nd दिखा रहा है। और एनालिसिस मैंने इसलिए भी बोला है, जनरली अगर आपने मेरे साथ एनालिसिस किया होगा तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि एनालिसिस, मुझे तो लग रहा है 2 घंटा लग ही जाएगा, 200 क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में एनालिसिस होगा। ओके, एंड और भी है एक चीज़, बैच और कौन कौन सा शुरू हो रहा है, ये सब ऐसे मैंने बता दिया है, बट ठीक है, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं उनके लिए, ये ऐसा मत सोच रहे कि ऑल दीज आर प्रमोशनल एंड ऑल, ठीक है, ये स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है। 2 बैच मेरा शुरू हो रहा है, एक 17th अगस्त में वोकैब प्लस कॉम्प्रीहेंशन, वैसे अभी भी चल रहा है वोकैब कॉम्प्रीहेंशन का बैच, 3:30 से 4:30, 5 से 6, वोकैब कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट, PQRS, फिल ऑफ द ब्लैंक, स्पेलिंग एरर, और एक 18th अगस्त से शुरू हो रहा है, ये तो एकदम बिगनर्स के लिए, 18th अगस्त से बैच है, 8 to 9:30 PM का बैच है, प्री प्लस मेंस का बैच है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे और यहाँ पे आके प्रैक्टिस करोगे। और कल तो क्लास नहीं है स्पेशल, लेकिन सैटरडे को मैंने स्पेशल क्लास, संडे को स्पेशल क्लास रखा है 5 to 6, और वॉइस का है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में संडे को 5 से 6 बजे जुड़िएगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना जो थोड़ा सा रूल से हटके है और जहाँ आपके एरर्स के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकता है। ओके, कुछ हटके क्वेश्चंस करेंगे, नॉर्मल वॉइस वाला नहीं, हटके क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में रूल्स काम नहीं आते हैं, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, तो ये आप जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लास, ये भी फ्री है, 5 to 6 PM शाम का, 1 घंटे का स्पेशल क्लास है ये। ओके, और अन अकेडमी पे बच्चे बोल रहे हैं मैम आपका टाइमिंग क्या क्या है, अन अकेडमी के यूट्यूब पे मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास लेती हूँ, स्पेशल क्लास सैटरडे संडे होता है, और बाकी पेड तो सब है ही। ओके, चलो, विश ऑल माई स्टूडेंट्स अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, अब हम मिलेंगे मंडे को यूट्यूब पे मिलेंगे, और संडे को अगर टाइम मिले तो आ जाना 5 to 6, वॉइस एक्टिव पैसिव का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब एंड कर रही हूँ, अगर कहाँ इतने लोग देखा है, 71 ही लाइक किया, एक बार जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं भी नेक्स्ट क्लास मोटिवेटेड होके आऊँ। देखो शिवांगी, इन्होंने बोल दिया है यूट्यूब पे MWF स्पेशल क्लास सैटरडे को 5 से 6, 6:30 से 7:30, और संडे को 5 से 6, बट कल मैंने 15 अगस्त के लिए नहीं रखा है क्लास। आपकी पिक अच्छी लग रही है, कहाँ पे, ओह माय गॉड, पिक पे ध्यान नहीं दो, कंटेंट और मैटर पे ध्यान दो। ओके, गॉड ब्लेस यू प्रवीण। ओके, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन। और एक चीज़ मैंने नोट किया है, जब तक मैं नहीं बोलूँगी ना कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक करेंगे ही नहीं, ये ड्रामा कब तक चलेगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं हर बार आके बोलूँगी और ज़बरदस्ती बोल के लाइक नहीं करवाना है। नो प्रोविजन फॉर मल्टीपल लाइक्स।